तो नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान में यूट्यूब के जो दिग्गज लोग हैं, एक हैं संदीप माहेश्वरी जी, एक हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, दोनों के बीच खिंची हुई हैं तलवार, सीधे सीधे शब्दों में। तो कुंडली का क्या निराकरण होगा? कुंडली क्या कहती है? ज्योतिष के आईने से देखें, ज्योतिष की दृष्टि से देखें, इस विवाद का परिणाम क्या होगा, भविष्य क्या है, और ये दोनों विवाद कर क्यों रहे हैं, इतना युवा आपस में टकरा क्यों रहा है। तो दोनों दो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर रखे हैं, और दोनों का एक ही काम है, लोगों को जागरूक करना। लेकिन कभी कभी दीपक तले अंधेरा रह जाता है, हम दूसरे को जागरूक करते रहते हैं लेकिन खुद जागरूक नहीं हो पाते। संसार में लड़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, संसार में लड़ने के लिए बहुत सी बुराइयाँ हैं, तो एक दूसरे की टांग खींचने के अपेक्षा उनको ठीक करने की ओर बढ़ना चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। फिर भी क्या कहती है इन महान लोगों की कुंडली, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत महान है, जहाँ ये लोग हैं वहाँ हम कल्पना भी नहीं कर सकते पहुँचने की। भाई हम लोग तो यूट्यूब के नन्हे कलमकार बस पैदा हुए हैं। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से आज जानेंगे इन दोनों की कुंडली में जो ये बना हुआ है क्या कहता है ग्रह नक्षत्र इनका। तो चलिए, क्योंकि पहले हम बात करते हैं संदीप महेश्वरी जी की। 28 सितंबर 1980 लगभग 1 बजे के आसपास, और इनकी धनु लगन की कुंडली बनेगी। कौन सी लगन की कुंडली बनेगी? धनु। धनु मतलब टारगेट हिट करने वाला, दिखता तो बंदा बहुत अच्छा है लेकिन है जिद्दी, डेफिनेटली जिद्दी है, क्योंकि लगन जो है मूल नक्षत्र में चल रहा है, जड़ को लेकर चल रहा है। जिस चीज़ को ये पकड़ लेंगे जड़वत पकड़ेंगे, हिलेंगे नहीं, जिस चीज़ को पकड़ लेंगे जड़वत पकड़ेंगे। चंद्र महाराज इनके कुंडली में कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं, खतरनाक नक्षत्र है कृतिका। कृतिका मतलब काट के अलग कर देना, काट के अलग कर देंगे जाओ। तो यहाँ पे इनके ग्रह नक्षत्र दो हिसाब से, हालांकि भी दोनों कुंडली देखते हैं तो उनके पता चलेगा प्रबल पड़ रहे हैं। सेकंड हाउस में केतु है, केतु अध्यात्म का ग्रह है, धनिष्ठा नक्षत्र में, वाणी तगड़ी है, धनिष्ठा। धनिष्ठा से कौन लड़ सकता है भाई? कोई नहीं लड़ पाता धनिष्ठा से। और राहु महाराज अष्टम भाव में है, इसलिए पूर्वाभास करने की क्षमता बहुत गजब की है, पूर्वाभास की क्षमता तगड़ी है। इनके कुंडली में गुरु महाराज सबसे इम्पोर्टेंट है, गुरु महाराज जाके बैठे हुए हैं उत्तर फाल्गुनी सूर्य नारायण के नक्षत्र में, सूर्य नारायण के नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी में शनि भी है। तो इनके ग्रह गोचर अगर देखें तो मजबूत है। प्रेजेंट टाइम में अच्छा क्या हो रहा है इनके साथ? गुरु महाराज पंचम भाव में चल रहे हैं, गुरु महाराज वर्तमान में पंचम भाव में चल रहे हैं, और मार्गी हो रहे हैं 31st से, साथ में केतु के अश्विनी नक्षत्र में, तो ये तो गतिमान होंगे, इनको गति मिलेगी। अब चलिए देखते हैं डॉक्टर साहब की कुंडली क्या कहती है। तो डॉक्टर साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 अप्रैल 1982, और मघा नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है, मघा नक्षत्र में। इनकी जो कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की बनती है। कौन सी लगन की? वृषभ लगन। और सिंह राशि, राशि कौन सी बनती है? सिंह राशि। इनकी बनती है वृषभ राशि, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बनती है सिंह राशि, बैल और शेर। मतलब ये लड़ने पे आ जाएंगे तो हटेंगे नहीं, मैं नंदी जैसा हूँ, लग गया तो लग गया। वो बोलते हैं भाई मैं तो शेर हूँ, पैदाइशी शेर हूँ। एक का केतु का नक्षत्र है, एक का सूर्य नारायण का नक्षत्र है। कृतिका मतलब सूर्य का नक्षत्र, केतु मतलब पूर्व जन्म की एनर्जी का नक्षत्र। हालांकि मघा से भी कोई लड़ पाता नहीं, मघा नक्षत्र अति तेज युक्त, लेकिन कृतिका वाले जिस चीज़ को स्टार्ट करते हैं उसको फिनिश ही कर देते हैं। कृतिका मतलब सब कुछ फिनिश ही कर देना, काट के अलग कर देंगे। तो ये दोनों की जो लड़ाई है ना, बड़ी आने वाले समय में संघर्ष बढ़ता जाएगा, संघर्ष घटेगा नहीं। अब वर्तमान में जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कुंडली है वहाँ पे इनके कुंडली संदीप माहेश्वरी जी की कुंडली के सामने वर्तमान में थोड़ी कमजोर पड़ रही है। अभी देखिए, गुरु महाराज इनके पंचम भाव में है और मार्गी होते ही गुरु शक्ति दे देगा, मतलब जो उनके खिलाफ अभी देखिए, जो भी बड़े चैनल वाले लोग होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, इनके जितने सपोर्टर होते हैं उतने ही इनके खिलाफ होते हैं। कोई व्यक्तिगत इनकी वो नहीं होती, फिर भी खिलाफ होते हैं, नेचर होता है। तो यहाँ पे जो उनके विरोधी लोग होंगे वो फटाफट इनको सपोर्ट करेंगे, बहुत सी चीज़ें इनके साथ सपोर्ट करने लगेंगी। जैसे मार्गी, गुरु मार्गी होने पे जहाँ पे महेश्वरी जी के कुंडली में योगप्रद है, वहीं विवेक बिंद्रा जी की कुंडली में परेशानी में है, क्योंकि द्वादश भाव में होंगे। कहाँ पे होंगे? द्वादश भाव में। और द्वादश भाव में
केतु के नक्षत्र में, केतु वृषभ लग्न में क्या है, मंगल जैसा फल देंगे। मंगल क्या है, मार्केस है, मंगल व्यस है और मंगल जेल भी है, मंगल जेल भी है, ठीक है ना। तो अभी जो है मंगल महाराज की जो स्थिति बन रही है बहुत अच्छी नहीं बन रही है। तो इस बीच में दिसंबर का माह जो जा रहा है ना, अंतिम सप्ताह खतरनाक है, बंधन योगकारी है। और तो यहाँ पे मेरी ये व्यक्तिगत सलाह है दोनों लोगों को कि भाई आप लोग आपस में समझौता करके आगे बढ़ें, कोई नहीं छोटा सीगो है बैठ के बात करें, क्योंकि आप दोनों अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं। क्या है, धुरंधर, और आप दोनों लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो अब जो एनर्जी लोगों के कल्याण के लिए जाए, अब जैसे संदीप महेश्वरी जी का हमने देखा, वो अब गूगल पे यूट्यूब पे एड्स नहीं चलाते, चाहें तो उसका करोड़ों करोड़ कमा सकते हैं। उन्होंने कहा भी कि मैं इस ऐड को ओपन करूँगा, जो करोड़ों रुपये आएंगे उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उपयोग करूँगा। ठीक है, आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तित्व भी आपका तगड़ा है, लेकिन आप इन्हीं पैसों को और कार्यों में अगर उपयोग करें, दूसरे को नीचा ना दिखाएं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं पे डॉक्टर विवेक जी के कुंडली में जो ग्रह गोचर हैं वो इनके अनुकूल नहीं हैं, और बीच में जो एक दुर्घटना हुई इनके साथ, इन्होंने जीवन साथी से कर लिया मारपीट, या जो दुर्घटना है ये इनके लिए अगर नहीं संभलेंगे तो पतन का मार्ग प्रशस्त कर देगी। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने अपने जीवन साथी को अच्छे खासे तरीके से पीट दिया है, मारा भी है, उसके कान के पर्दे वर्दे भी शायद कुछ ख़राब हो गए हैं, जो मीडिया में न्यूज़ आ रही है, केस भी पकड़ा गया। एक चीज़ को याद रखिएगा, इस मतलब हमारे सनातन धर्म में दो तीन बार हमने दुर्घटना देखी, ठीक है ना। एक बार केस पकड़ा गया द्रौपदी का, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। एक बार केस पकड़ा गया देवकी का, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। आप क्रोध कर सकते हैं, आप अब शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, कभी हाथ उठा सकते हैं, लेकिन कभी भी स्त्री का केस मत पकड़िएगा। केस धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है, नहीं, जननी है, नारायणी है, प्रकृति है। और जब भी पुरुष प्रकृति पे अपना अधिकार या शोषण करना शुरू करेगा, प्रकृति ऐसी व्यवस्था करती है कि पुरुष कमजोर हो जाता है, और उसके दुश्मन इतने प्रबल तैयार कर देती है कि फिर वो धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। इसलिए कुंडली को समझिए, आप दोनों लोग समझिए, आप दोनों लोग महान हैं, हमारे लिए तो आदरणीय है भाई, ठीक है ना। आप लोग जिस ऊंचाई पे पहुँचे हैं वहाँ पे पहुँचना हमारे लिए संभव नहीं है। तो अपने अपने ग्रहों की एनर्जी को ठीक करिए, ठीक है ना, शांति करवाइए, ग्रहों की जो निगेटिव चीज़ें उनको घर से बाहर करिए, निगेटिव रेज को डिस्कनेक्ट करिए, पॉजिटिव रेज को कनेक्ट करिए। आप दोनों ये जो विवाद है, अगर विवाद के दृष्टिकोण से देखें, मैं कुंडली में हेडलाइन दिया था कौन किस पे पड़ेगा भारी, तो भाई संदीप महेश्वरी जी की कुंडली डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे भारी पड़ रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि दोनों सुलह करके, दोनों धुरंधर हैं अपने अपने क्षेत्र के, और दो एनर्जी लड़ने के लिए नहीं है, दो शक्तियाँ आपस में इकट्ठी हों, क्योंकि ग्रोथ करना है, विकास करना है। राधे राधे। कमेंट में आप कुछ कहना चाहें सरल शब्दों में कह सकते हैं।